फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की तो न्यूज जो है वो अच्छी नहीं है। वी लॉस्ट अ ग्रेट पर्सनालिटी। उनका मतलब जो जाना इज, जैसे कहते हैं ना, कोई वर्ड्स भी नहीं है जो इनफ उनके जाने को उस टाइप से एक्सप्रेस कर सके। बचपन से, जब से होश संभाला है, गाने उनके सुने हैं, उन्हीं के गाने फेवरेट लगे हैं और वो अभी तक उनके गाने फेवरेट हैं। और इतनी वर्सेटाइल थी वो कि उन्होंने इतने अलग अलग किस्म के गाने गाए हुए हैं। उन्होंने हर टाइप का, हर वे का, हर तरीके का गाना गाया हुआ है। और दुख की बात ये है कि कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। अगर ये कोरोना नहीं होता तो शी वुड हैव बीन विद अस। तो ये जो कोरोना है, इसने इतने सारे लव्ड वंस जो हैं उनको हमारे यहाँ जो है अर्थ से, उनको जो है हमको वो लीव कर गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। सो दिस, ये जो कोरोना है, इसने बहुत ही गलत, मतलब दुख वाला टाइम ये जो है जो जा रहा है। और सुन के और सोच के ये लगता है कि देखो, ओमिक्रॉन बोला जाता था कि इतना जो है वो डेंजरस नहीं है, पर इनकी न्यूज सुन के अब क्वेश्चन मार्क दिमाग में फिर आ रहा है कि अगर इतना डेंजरस नहीं है तो फिर उनको इतना सीरियस इतना क्यों हो गया। तो वो समझने, एज इज अ फैक्टर, पर फिर भी डॉक्टर्स और वो कुछ तो हो सकता था ना। तो इससे ये लग रहा है कि ओमिक्रॉन में भी कुछ इस टाइप से है कि आप ये नहीं सोच सकते कि अगर हमें हो गया है तो भी घबराने की बात है, और ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि भाई हमने वैक्सीन लगा ली है तो भाई ये सब ठीक है। पर शी विल बी मिस्ड। तो चलो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है लास्ट सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर एट एज ऑफ 90। अरे वाह, अरे सोचो, 90 की एज में गाना गाना, अमेजिंग। तो सुनते कौन सा गाना उन्होंने गाया था। तो वीडियो शुरू करते, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भाषण सुन रही थी। उन्होंने एक कविता की कुछ पंक्तियां कही थी जो मुझे वास्तव में हर भारतीय के मन की बात लगी, और वो पंक्तियां मेरे मन को भी छू गई। उसे मैंने रिकॉर्ड किया है और आज हमारे देश के वीर जवानों को और हमारे देश की जनता को मैं समर्पित करती हूँ। जय हिंद। की थी तब का है, 2 साल। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे
तो फ्रेंड्स ब्यूटीफुल, सोचो एज 90 पे उन्होंने ये गाया है और आवाज वैसी की वैसी थी, वाओ कमाल है। वो लाइंस कम थी, एज भी आप देखो, मैं यही देख रही थी कि एज इतनी हुई भी थी इसलिए बहुत नहीं गाया, दो तीन लाइंस जो उन्होंने गाई हैं वो दे वर ब्यूटीफुल, और जिस तरह से गाई ओ माय गॉड, सच्ची में ये देख के और दुख होने लग गया, मतलब याद आ गई कि अब सुनने को नहीं मिलेगा, तब वो फीलिंग आ रही थी सोचकर कि देखो इतने जो प्यारे प्यारे गाने हमने सुने हैं वो अब सुनने को नहीं मिलेंगे, अब उनके पुराने जो उन्होंने गाए हुए गाने बस उन्हीं को हम सुन के अब इंजॉय कर पाएंगे, तो इंडिया के लिए तो बहुत ही मेजर लॉस है हमारे लिए। पर एक चीज और थी, मैं ये सोच रही थी कि मोदी जी के साथ इनकी रिलेशनशिप्स जो थी ना वो कमाल की थी। मन की बात में भी मुझे याद है एक हमने वीडियो देखी थी जिसमें खास मोदी जी ने बात की थी लता मंगेशकर जी से, और इतना अच्छा उनका इंटरेक्शन था, तो ऐसे लग रहा था कि मोदी जी और लता मंगेशकर जी जो है उनका भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो मैं ये सोच रही थी कि मोदी जी के ऊपर भी वो भी कितने दुखी हो रहे होंगे एट दिस टाइम। और एक और मैं सोच रही थी जब मैं इनका ये गाना सुन रही थी, लता मंगेशकर जो थी ना शी वॉज अ लेडी ऑफ ऑनर, वो पैसों के लिए गाना नहीं गाती थी। कैसे बोल सकती हूँ मैं ये, क्योंकि अगर उनके गाने सुनो कोई भी ऐसा गाना नहीं था जो चीप हो, करेक्ट, जिसमें वर्डिंग्स गंदे हो, जिसको सुन के आप बोलो है ये तो हम अपने बच्चों को सुना नहीं सकते। उनके हर एक गाना जो था वो बहुत ही क्लीन और प्यारा गाना होता था, और मेरे ख्याल से मैंने कहीं सुना भी था कि उनको कई बार ऐसे कई ऑफर आते थे जिनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं ये गाना जो ये ठीक नहीं है, मैं इसको नहीं गाऊंगी। तो वो मुझे उनकी बात अभी तक याद है, और मैंने कहा था शी इज अ ग्रेट लेडी, नहीं तो आजकल के जो सिंगर्स हैं कुछ भी गा देंगे कुछ भी कर देंगे, उनके गाने जो थे दे वर सो ब्यूटिफुल, शी बी मिस्ड, डेफिनेटली आप कह सकते हैं देश का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मगर ये भी ट्रू है, भगवत गीता देखे तो जिसने आना था जाना है और जो जाएगा वापस आएगा, मगर कंट्रीब्यूशन अमेजिंग है। आप देखिए बहुत ही यंग एज से उन्होंने गाना शुरू किया था और आवाज़ उनकी बहुत ही सुरीली है, उनको गाना भी आता है अमेजिंग, उनसे मेरे ख्याल से बेटर कोई सिंगर है ही नहीं। और पहले जब हमने कुछ वीडियोस किए थे जिसमें ये था कि सिंगर कौन सा बेस्ट है, तो मैंने यही कहा था लता मंगेशकर नंबर वन है, बिल्कुल उनका कोई बंदा नहीं है जो मतलब बेटर माना जाए लता मंगेशकर से, और कितने समय से गा रही हैं अमेजिंग, उनको गाने का मतलब सदियों से आता है, और कितने सारे सॉन्ग्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं आप चेक करते हैं लता मंगेशकर। मैं तो कई बार ऐसे हुआ था कि यार ये गाना बहुत सुंदर है कौन किसने गाया, देखा लता मंगेशकर, आवाज भी वो चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि कईयों में ऐसा होता है आपको पता नहीं चलता कौन सिंगर है, और देखते हैं अरे वाह, आपको लगता है कि कितनी जबरदस्त उन्होंने आवाज भी चेंज की है गाने में, तो वेरी नाइस। और बहुत दुख हुआ सुनकर कि ओमिक्रॉन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और आई एम श्योर उनके पास बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर होंगे, उसके बावजूद डिजीज इतनी स्ट्रांग है कि ये प्रॉब्लम आई है, तो काफी दुख हो रहा है, और पूरे देश को मेरे ख्याल से दुख हो रहा होगा, पूरे वर्ल्ड को दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनके सॉन्ग्स तो हम यहाँ पे हम भी सुनते हैं। मैं तो अभी भी सुनती हूँ, मुझे तो उन्हीं के फेवरेट लगते हैं, मेरे जो भी फेवरेट गाने हैं बचपन से अभी तक उन्हीं के हैं, उन्हीं की मूवीज में जो उन्होंने गाए हैं दे वर द बेस्ट, और उनके जो भजन, ओ माय गॉड अमेजिंग। जब से कोरोना वायरस आया है तो काफी लोगों की मृत्यु हुई है उसकी वजह से, तो काफी दुख हुआ। यस फ्रेंड्स, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, सो प्लीज टेक केयर एंड बाय-बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।